नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कंपाउंड एंगल की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। अब है फॉर्मूला नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला नंबर 1 है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला इसका, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नाउ फॉर्मूला नंबर 2 है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम प्रूव करते हैं कि ये कैसे आया है। ठीक है, तो साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद क्या जाएगा, साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। नाउ साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जब हम साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लेंगे कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो जब इसको जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इतना आपको प्रूफ, ये जो फॉर्मूला नंबर 2 है अब ये आपको होमवर्क दिया जाता है, ये आप प्रूफ करेंगे कि ये कैसे फॉर्मूला आया है। इतना आप पहले राइट डाउन कर लीजिए। अब बात कर रहे हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला की। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। और साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हमारी क्या है सेकेंड इक्वेशन है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस साइन ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा, टू साइन ए कॉस बी। उसी तरह हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या देगा, टू कॉस ए साइन बी। सेम कैटेगरी से हम कॉस ए प्लस बी को करेंगे, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है हमारी कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हमारी क्या है फोर्थ इक्वेशन। ये कॉस ए प्लस बी है और ये क्या है कॉस ए माइनस बी है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा, टू कॉस ए कॉस बी आ जाएगा। फिर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस टू साइन ए कॉस बी। फिर इससे पूरा क्या निकलता है सॉल्यूशन क्या निकलता है कि जब टू साइन ए कॉस बी होगा, जब टू साइन ए कॉस बी होगा तो क्या होगा इक्वल टू क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब टू साइन कॉस इक्वल टू क्या होगा एस प्लस एस होगा, मतलब साइन प्लस साइन होगा। और टू कॉस साइन टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या है टू कॉस साइन ए, तो क्या होगा साइन माइनस साइन होगा। टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस कॉस ब्रैकेट ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, टू कॉस टू सी प्लस सी, मतलब टू कॉस कॉस तो क्या होगा सी प्लस सी होगा। फिर टू साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या है टू साइन साइन है, तो क्या है साइन माइनस कॉस माइनस कॉस। तो ये सारी आपकी इक्वेशन बनी है। इतना आप पहले राइट डाउन कर लीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आईआईटी जेई के लिए। इफ ए प्लस बी इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इक्वल टू डी, तो टू ए इज इक्वल टू सी प्लस डी हो जाएगा और टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी माइनस डी, मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन टू
और बी इक्वल क्या हो जाएगा सी माइनस डी अपॉन टू। तो फर्स्ट है कि साइन सी प्लस साइन डी इक्वल क्या हो जाएगा टू साइन ब्रैकेट में सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, और साइन सी माइनस डी साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, और कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। नाउ फोर्थ है कि कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा किसके इक्वल होगा तो टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू। ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपके जो ये फॉर्मूले हैं कहां पे यूज होगा आपको पता चलेगा। अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं, इसमें क्या है साइन सेवन थीटा माइनस साइन फाइव थीटा अपॉन कॉस सेवन थीटा प्लस कॉस फाइव थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले आप देखिए। तो देखिए यहां पे क्या है, यहां पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, मतलब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया है। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है नीचे वाले में, यहां पे हमने लगाया है कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया है। तो अब हम करते हैं तो टू कॉस सेवन थीटा प्लस फाइव थीटा अपॉन टू इंटू साइन सेवन थीटा माइनस फाइव थीटा अपॉन टू अपॉन टू कॉस थीटा कॉस ब्रैकेट में सेवन थीटा प्लस फाइव थीटा अपॉन टू और कॉस ब्रैकेट में सेवन थीटा माइनस फाइव थीटा अपॉन टू। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा टू कॉस सिक्स थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस सिक्स थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस सिक्स थीटा से कॉस सिक्स थीटा कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा। इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साइन ए प्लस साइन टू ए प्लस साइन फोर ए प्लस साइन फाइव ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस टू ए प्लस कॉस फोर ए प्लस कॉस फाइव ए इक्वल टू क्या प्रूफ करना है कि टेन थ्री ए। तो हमने जो फॉर्मूला अभी लिखाया है कि टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू क्या हमने लिखाया था कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या बनेगा टू साइन कॉस होगा तो क्या होगा साइन प्लस साइन होगा। तो उसी प्रकार से वही फॉर्मूला जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा टू साइन थ्री ए कॉस टू ए प्लस टू साइन थ्री ए कॉस ए अपॉन टू कॉस थ्री ए कॉस टू ए प्लस टू कॉस थ्री ए कॉस बी। तो टू साइन ए अपॉन टू कॉस ए ब्रैकेट में क्या जाएगा कॉस टू ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस टू ए प्लस कॉस ए। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये यहां से कैंसिल तो क्या आएगा टेन थ्री आए। फॉर्मूला बता दिया है कौन सा यूज होगा आपको, उसी तरह से ही क्वेश्चन आ जाएगा। इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन सेवेंटी फाइव डिग्री माइनस साइन फिफ्टीन डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो इसमें अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है साइन सी माइनस साइन डी का, तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन टू और साइन सी प्लस सी माइनस डी अपॉन टू और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी मतलब 2 cos c प्लस डी अपॉन टू और cos c माइनस डी अपॉन टू। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या जाएगा tan 30 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 आंसर। तो आंसर कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए और उसे यहां पर यूज करना है वो आना चाहिए, उसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरह आप आंसर निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू साइन एट थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस टू साइन सिक्स थीटा कॉस थीटा अपॉन टू कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस टू साइन थ्री थीटा इंटू साइन फोर थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है टेन टू थीटा। ब्रैकेट में साइन नाइन थीटा प्लस साइन सेवन थीटा माइनस साइन नाइन थीटा प्लस साइन थ्री थीटा, ये वही फॉर्मूले से प्रूव करेंगे टू एस एस प्लस एस सी और टू टू सी प्लस टू सी सी, वही वाले फॉर्मूले से उसे हम पुट करेंगे।
तो क्या आ जाएगा साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 कॉस 5 थीटा साइन 2 थीटा अपॉन 2 कॉस 5 थीटा कॉस 2 थीटा। तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा टेन टू थीटा। तो देखिए जो दो फॉर्मूले हमने पूरे लिखवाए हैं, एक सी माइनस डी वाला ये वाला फॉर्मूला, एक जो टू साइन टू एस सी वाले जो थे कि टू साइन कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी, यस जितने फॉर्मूले हैं ये सारे फॉर्मूले साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस डी, ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा, जो करना है कर लीजिएगा, लेकिन आपको ये सारे फॉर्मूले पुटअप करने आने चाहिए जब आप क्वेश्चन करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन 2a इज इक्वल टू लैम्डा साइन 2b देन प्रूव दैट टैन a प्लस b अपॉन टैन a माइनस b इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। तो साइन 2a अपॉन साइन 2b इज इक्वल टू लैम्डा r साइन 2a प्लस साइन 2b अपॉन साइन 2b माइनस साइन 2b इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। तो 2 साइन a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2 कॉस a प्लस b इंटू साइन a माइनस b इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपॉन क्या हो जाएगा टेन ए प्लस बी, और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस बी। तो ये जब इसको नीचे लिखेंगे तो कॉट लिखेंगे तो क्या जाएगा नीचे 1 अपॉन ये जब इसको कॉट के लिखेंगे तो क्या जाएगा 1 अपॉन टेन आ जाएगा ए माइनस बी। तो टेन ए प्लस बी अपॉन टेन ए माइनस बी इसको आ जाएगा लैमडा प्लस 1 अपॉन लैमडा माइनस 1। तो ये हेंस प्रूफ हो गया। तो आपको हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन में करा दे रहा हूं जिससे आपसे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 115 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन ब्रैकेट में 140 डिग्री माइनस 1। ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो हमने क्या लिया हाफ से 1 अपॉन हाफ से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 अपॉन हाफ ब्रैकेट में 2 साइन 25 डिग्री कॉस 115 डिग्री, तो 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में साइन 25 प्लस 115 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री माइनस 150। कैसे आया फॉर्मूला 2 साइन और कॉस के फॉर्मूले से आया। तो 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में साइन 140 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, तो 1 अपॉन 2 साइन 140 का 140 माइनस साइन 90 डिग्री का होता है 1। यही हमें प्रूफ करना था, यही आ गया आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।